भारत करोड़ों लोग, हजारों भाषाओं और सैकड़ों धर्मों का देश, एक ऐसा देश जिसमें सब कुछ है, उपजाऊ जमीन, खिलखिलाती नदियां और लहलहाते खेत। आज भारत हर क्षेत्र में दुनिया के साथ या फिर दुनिया के आगे बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से, मनोरंजन में या फिर खेलकूद ही क्यों ना हो। कैसे ना हो गर्व ऐसे देश पर। बचपन से ही हमें प्यार और न्याय भरी जिंदगी जीने की सीख मिलती है। हमें सिखाया जाता है अतिथि देवो भव, सत्यमेव जयते, और ऐसी कई सीख हम आए दिन सुनते रहते हैं। लेकिन जब ये सीख हमारी निजी जिंदगी के साथ टकराती है तो उसका क्या होता है? क्या हम हर इंसान के साथ उसी प्यार और न्याय की भावना से पेश आते हैं? शायद हाँ, शायद ना। लेकिन एक ऐसा समुदाय है जिसके लोगों को आज भी समाज में प्यार और न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है। नमस्ते, मैं रेणुका शाहने और आज आपसे बात कर रही हूँ इसी समुदाय के विषय में। एक ऐसा समुदाय जिसे ना केवल संविधान में बल्कि समाज के हाथों भी घृणा और द्वेष का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। किसी भी इंसान के औरत या आदमी होने का मतलब क्या है? आपके मुताबिक कोई असली मर्द कब कहलाएगा? आपके मुताबिक असली मर्द आदमी एकदम बोल्ड रहना चाहिए, निडर रहना चाहिए, जो कैरेक्टर का अच्छा हो और जो लेडीज की रिस्पेक्ट करे। अगर वो किसी अपने अदर प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ ही इज नॉट एबल टू हैंडल नहीं कर पाता है तो आई डोंट थिंक ही इज अ मैन इन हिज फर्स्ट प्लेस। जो लड़कियों की सारी बात माने। और आपके हिसाब से एक असली औरत कौन होती है? कोई भी हो सकती है, माँ, बहन, बेटी, गर्लफ्रेंड, या हम जिससे प्यार करते हैं, जो दूसरी लेडीज को हेल्प करे और उसकी जो भी सिचुएशन हो, अच्छी खराब, उसके उसमें उसका सपोर्ट करे। असली औरत वो है मेरे हिसाब से जो पूरा घर एंड प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ एक साथ लेके चलती हो। अच्छा, असली औरत की ये पहचान है कि वो अगर शादीशुदा है तो साड़ी में अपना मुंह ढक करके अच्छे माताओं के जैसा रहे और अपना बदन नहीं दिखावे। असली औरत इज वन हु इज मेड बाय गॉड इन ऑल अ फेमिनिन ब्यूटी। अ वुमन शुड बी अ वुमन, नॉट लाइक अ मैन। कोई भी इंसान, औरत या आदमी, शारीरिक रूप से होता है या मानसिक रूप से? क्या सेक्स और जेंडर यानी कि लिंग और लिंग भाव में कोई अंतर है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की कोनेनिका रॉय से, जो हम सफर ट्रस्ट नामक एक एनजीओ में काम करती हैं। Why is sex and gender different? So sex describes physiological and biological aspects of a person. तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसका पीनिस अगर हो तो उसको लड़का कहा जाता है, और अगर वजाइना हो तो लड़की कहा जाता है। तो उसके अलावा हम जेंडर की भी बात करते हैं। जेंडर इज़ बेसिकली जो हमें सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है, व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट टू डू फॉर अ मैन, व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट टू डू फॉर अ वुमन। अपने रहन सहन में भी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर जेंडर से। तो फॉर एग्जांपल, आदमी को घर में कमाई करनी पड़ती है, घर का यू हैव टू बी द मैन ऑफ द हाउस, या फिर यू हैव सर्टेन रोल्स इन सोसाइटी कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करना है। All of these things are part of gender. तो सेक्स या लिंग हुआ शारीरिक और जेंडर या लिंग भाव हुआ मानसिक। सेक्स आप देखकर पहचान सकते हो, लेकिन जेंडर वो है जो आप अपने आप के लिए महसूस करते हो। तो हमने देखा कि समाज में आदमी और औरत की भूमिकाएं और धारणाएं बहुत पहले से बनी हुई हैं। तो क्या होगा तब जब कोई उस धारणा के विपरीत बर्ताव करने लग जाए? बचपन में मैं एक साधारण लड़की थी, बच्चे की तरह ही था, मुझ में कोई अलगपन नहीं था। लेकिन मैं अलग हूँ ये किसने मुझे बताया? तो लोगों ने बताया। वो कैसे? तो मैं एक लड़का होकर लड़की की तरह चलता हूँ, लड़की की तरह बर्ताव करता हूँ, लड़की की तरह हंसता हूँ, लड़की की तरह फीलिंग्स रखता हूँ। ये मुझे लोगों ने बताया कि तू लड़का है तो सिर्फ लड़की की तरह ही चलेगा, लड़की की तरह बर्ताव करेगा। पूरे स्कूल भर में मेरा कोई खास दोस्त नहीं था। मैं अक्सर मुझे लोग बाइलिया इत्यादि शब्दों से बुलाते थे, जिसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अफेक्ट हो गया था। मैं क्लास के फर्स्ट बेंच पे बैठता और पीछे देखने से भी कतराता था, क्योंकि मुझे बहुत
डर लगता था। एक किस्सा मैं बताता हूँ कि मेरे पड़ोस में एक शादी थी, मैरिज सेरेमनी, एंड एट अ टाइम सभी बच्चों की तरह मैं भी वहाँ पे गया था, लेकिन जैसे मेरी एंट्री हो गई सब लोग मेरी तरफ देखकर हंसने लगे, टोंट करने लगे मुझे, और उन लोगों ने फिर एक बड़ा सा सर्कल किया, उस सर्कल में मुझे खड़ा किया, फिर वो लोग बोले कि एक गुड नाच के दिखा, गाना सुना या चल के दिखा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करे, लेकिन फिर भी वो जो भी कुछ बोल रहे थे मैं कर रहा था। या कॉलेज में बात लगभग उसी तरह रही या शायद बढ़ती गई, जब मेरा केवल एक ही इवैल्यूएशन, मेरा केवल एक ही मूल्यमापन था कि मैं बाय लिया हूँ, और शायद मेरा कोई वर्थ ही नहीं था उस क्लास में, उस बैच में। ये कहानियाँ अनोखी नहीं है और ना ही नई है, कुछ ऐसी कहानियाँ कुछ लोग हर रोज जीते हैं। पर अब तक हमने बात की कुछ ऐसे आदमी और औरतों के बारे में जो अपने लिंग के पारंपरिक स्वभाव से थोड़े अलग हैं, लेकिन तब क्या होगा जब किसी के शारीरिक लिंग और मानसिक लिंग भाव में ही अंतर हो। तो आई वॉज बॉर्न एज अ फीमेल चाइल्ड, डॉक्टर ने वजाइना देखा और बोला कि लड़की पैदा हुई है, और आगे जाके अराउंड द एज ऑफ 1-3 मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ मुझे जो ये असाइन किया गया है, ऑब्वियसली ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, लेकिन स्लोली जो भी मुझसे एक्सपेक्टेड होता है एज अ गर्ल वो मैंने अपना लिया अपने लिए, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनके लिए मिसमैच होता है, उनको लगता है कि उनकी जो उनको जो शरीर दिया गया है और उनकी जो अंदर की आवाज़ है, उनकी उनकी जो आत्मा है वो मैच नहीं हो रही है, और उनको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर, आपका परिचय इस समुदाय से कई तरह से हुआ होगा। हिजड़ा, किन्नर, जोगप्पा, अरवणी, इन जैसे शब्दों से आप तो वाकिफ होंगे ही। कुछ देर पहले हमने विवेक और आदित्य के बारे में कहानी सुनी, जिन्हें लड़का होने के बावजूद अपनी चाल ढाल की वजह से समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो सोचिए, अगर कोई पूर्णता ना ही आदमी ना ही औरत हो तो समाज उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा। जैसे पता चलता है गेस्ट लोगों को या कस्टमर्स को कि बिकॉज शी इज सिंगिंग वेरी वेल, शी डांसिंग वेरी वेल एंड शी परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट शी इज ट्रांसजेंडर, शी इज हिजड़ा, दिस थिंग, तो नोबडी गिव मी मनी, एंड आई एम, वहाँ पे मेरा इनकम का सोर्स लैक हो जाता है और मेरा इनकम का सोर्स डाउन हो जाता है, तो फिर मैं फिर होटल से निकाली जाती हूँ। तो मैं फिर एक होटल फिक्स नहीं होता है, तो मैं भटकती रहती हूँ, कभी यहाँ आज यहाँ तो कल कहीं और परसों कहीं और, तो एक हफ्ते बाद कहीं और, तो कभी कभार दो महीने तीन महीने घर में बैठना पड़ता है। चौल में भी ये बोला गया कि तू यहाँ से निकल, तो कल तेरा डिपॉजिट देता हूँ, ये बोल के मुझे बोला, अब्यूज़ किया। और फिर वहाँ पे मेरी माँ से सवाल पूछे गए, बहुत गंदे सवाल पूछे गए कि आपको पता नहीं था क्या आपका बेटा जन्म में क्या था, जब आपने उसका लिंग नहीं देखा क्या, जब उसने जन्म लिया था वो छक्का था कि हिजड़ा था कि लड़का था, ऐसे सवाल पूछे थे उन्होंने। मैं कभी कभी शोज़ करती हूँ, बीड़े बोलते हैं हम लोग में वो, जैसे कि लोग शादी में बुलाते हैं और नाच गाना करवाते हैं, रात के टाइम होता है, तो लास्ट ट्रेन था, करजत वाली ट्रेन थी वो, तो वो औरत, एक औरत डायरेक्टली बोली, अरे ये छक्के लोग को नीचे उतारो। वो डायरेक्टली RPF बैठा था, वो खड़ा था डोर के पास, उसको बोल रहे ये छक्के लोग को नीचे उतारो। मैं बोली भाई क्यों छक्के लोग को नीचे, हमने क्या किया। और वो औरत लिटरली इतने अब्यूज लैंग्वेजेस यूज कर रही थी, स्लंग लैंग्वेजेस, कि इनके माँ बाप इनको कैसे पैदा करते हैं, इनको पैदा करके कैसे छोड़ देते हैं। वो सुन के रोना आ गया मेरे को। कभी भी हर्ट फील होता अगर माँ के बारे में कोई बोलता, बिकॉज मुझे पता है माँ कितना फील करती है, उसके घर में एक लड़का इजड़ा है तो बोले तो सबसे हर्ट एक माँ को होता है और किसी को नहीं होता है। तो वो औरत ऐसा बोलती है, इसके माँ लोग ने कैसा पैदा करके छोड़े ले इन लोग को, ये क्या है इन लोग ऐसा, छक्के लोग को पहला उतारा, हम लोग को प्रॉब्लम होगा, हमारे बच्चे लोग डरेंगे, वो ये करके वो इशू क्रिएट करने लग गई थी। लिटरल मैं बता रही हूँ, हमारा तीनों के पास फर्स्ट क्लास के पास है, इवन दो वी हैव अ फर्स्ट क्लास पास एंड वी आर ट्रैवलिंग इन अ सेकंड क्लास कंपार्टमेंट, देन ऑल्सो शी हैव अ लॉट ऑफ इशू फ्रॉम अस। फिर मैंने बोली पहला इसको चेक करो, इसके पास टिकट है क्या, मेरे दिमाग देखा तो वो औरत के पास ही टिकट नहीं है, वो औरत के पास ही सेकंड क्लास का भी टिकट नहीं है, और RPF उसको कुछ नहीं बोल रहा और हमको बोल रहा मैडम प्लीज शांत रहिए। आई डिडंट से एनीथिंग एल्स आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद मेरे को कुछ बोले, क्योंकि मेरे को उसमें समझ, ये RPF उसको सपोर्ट कर रहा है तो हमें, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है किधर भी। फिर अब तक हमने बात की दो ऐसे समूहों की जिन्हें अपनी दिनचर्या में कई किस्म के भेदभाव का सामना करना पड़ा है। ये दोनों समूह LGBT नाम के बड़े समुदाय का भाग है, लेकिन LGBT मतलब क्या, जानते हैं सोनल ज्ञानी से, जो LGBT लोगों के कानूनी और सामाजिक हकों के लिए लड़ने वाली एक कार्यकर्ता रह चुकी हैं।
LGBT एक abbreviation है for lesbian, gay, bisexual and transgender persons. जब हम lesbians कह रहे हैं, हमारा मतलब है कि वो औरतें जिनको औरतों की तरफ आकर्षण है. और हम जब कह रहे हैं आकर्षण है, we are not restricting it when we are saying the word lesbian. ये सिर्फ sex से restricted नहीं है, it includes आकर्षण and then उसके बाद संबंध. So that is lesbians. Gay persons are आदमी जिनको आदमियों की ओर आकर्षण होता है. Bisexuals वो लोग हैं जिनको दोनों की तरफ का आकर्षण होता है. Transgender जो होते हैं, from the word trans and gender you can understand that basically transgender वो लोग होते हैं जिनका शरीर और उनकी आत्मा मेल नहीं खा रही है. तो औरत के शरीर में एक आदमी है या फिर आदमी के शरीर में औरत है. तो LGBT चार समूहों का मिलन है जो एक साथ जुड़े गए हैं. ये इसलिए क्योंकि समाज की नज़रों में वो साधारण से परे हैं. इनमें से ट्रांसजेंडर्स या खासकर हिजड़ों को आप आसानी से पहचान लेंगे. रास्तों पर, शादियों में या किसी बच्चे के जन्म पर उन्हें देखना कोई नई बात नहीं है. लेकिन हर ट्रांसजेंडर इंसान हिजड़ा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है. मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ ट्रांसजेंडर, मगर इसके अंदर ही ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, हिजड़ा, ये जो इजड़ा जो है ना, ये समाज ने दिया है. मैं जन्म मैंने एक लड़के के शरीर में लिया था. अभी मैं लड़की बन रही हूँ जो कि मैं गलत शरीर में मैं थी, राइट. मैं हिजड़ा कम्युनिटी में मैं नहीं जाना चाहती और मैं क्यों जाऊँ. तो सब उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा, अपनी फैमिली को छोड़ दो. तो मेरी फैमिली ने मुझे आते सपोर्ट किया 27 तक. तो मैं चाहती हूँ ये टाइम मैं उनको भी सपोर्ट करूँ. सो आई डोंट वांट टू गो दैट फैमिली. उस फैमिली में चली गई तो मैं अपनी फैमिली को नहीं साथ आ पाऊँगी. अब मैं अपनी फैमिली बिना रह नहीं सकती. इसलिए अब तक हमने देखा कैसे LGBT लोगों को सामाजिक भेदभाव के कठोर शब्द सहने पड़ते हैं. फिर हमने आम जनता से पूछा, क्या कोई आदमी किसी और आदमी से प्यार कर सकता है? हम ये जानना चाहते थे कि क्या इस भेदभाव का कारण जानकारी की कमी है. आदमी को आदमी से प्यार हो सकता है? हो सकता है. मेरे हिसाब से आदमी को आदमी से प्यार हो सकता है. जब लड़की को लड़की से हो सकता है तो आदमी को आदमी से हो सकता है. हो सकता है. भगवान ने दोनों को बनाया है, खुदा ने दोनों को बनाया है. प्यार करने पे कोई टैक्स नहीं लगता आजकल, ना GST लगता है. जी, जब हम इन कुत्तों से और अपने पेट से प्यार कर सकते हैं तो ऑब्वियसली इंसान तो इंसान ही है. ये तो हम कह रहे समझ में नहीं आता. मम्मी जान, हम तो सुनते देखते भी होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए था. नो, अगर आपकी कोई बहन या कोई लेडी दोस्त कहती है कि उसको औरत से प्यार है तो क्या आप उसको रोकेंगे? जब उसने चाहा है तो उसको खुदा भी नहीं रोक सकता है. बस जब उसको सही या गलत का पता चल जाएगा वो खुद रुक जाएगी. इफ शी अगर वो बालिक है तो आई डोंट थिंक सो, नहीं रोकेंगे. मगर अगर वो बालिक नहीं है तो ऑब्वियसली उसको अंडरस्टैंड कराने लगाएंगे. तो मैं मना ही करूँगा उसको कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, हर किसी के साथ सही नहीं हो. जरूर रोकेंगे. क्यों नहीं रोकेंगे भाई? ये संबंध गैर कायदे सर है, कायदा इसका नहीं है. जो बेकायदे है उसको, चाहे हमारी बहन हो चाहे बेटी हो, उसके लिए संविधान कानून भी है, उसके लिए आम क्षेत्र रोक है ही. कुछ लोगों को समलैंगिक इंसानों से कोई संकोच नहीं. कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा होना सही नहीं है. तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मानने से ही इनकार करते हैं कि किसी आदमी को दूसरे आदमी से प्यार हो सकता है. इसी संकोच के कारण हमने जानने की कोशिश की कि इस बात के इनकार के पीछे क्या वजह हो सकती है. तो ये 2014 की बात है. तब मैंने IIT में साथी नाम का एक LGBTQ सपोर्ट ग्रुप है, उनके लिए वीडियोस में खुद के बारे में बात करना या उनके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना उनके, और इन इवेंट्स का ईमेल पब्लिकली IIT के मेलिंग लिस्ट पे भेजना एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत विजिबल हो गया था. लोगों को पता चल गया था कि ये लड़का गे है. इसीलिए तब जब कुछ MTech स्टूडेंट्स मेरे साथ प्रोजेक्ट करना शुरू करते थे, उन्हें बाहर से बहुत चिढ़ाया जाता था कि अच्छा तू वो आदित्य के साथ प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब पक्का वो रात को तुम लोग जब लैब में प्रोजेक्ट कर रहे हो तो तेरे थाई पे हाथ रखता होगा, या यू नो तेरे को ऑकवर्ड नहीं लगता क्या कि वो तेरे को गे बना देगा एट्सेट्रा. मुझे ऑब्वियसली इनिशियली बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अरे मैंने बड़ी हिम्मत दिखा के लोगों को बताया कि मैं गे हूँ, पर आज तो मुझे उसका डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है. आज तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत दिल से काम करता हूँ, उसके बावजूद लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते कुछ लोग, क्योंकि मैं गे हूँ.
ऐसा होता था कि मैं लॉकर के अंदर जाती थी तो वो लड़कियों का लॉकर रूम था, लेकिन कुछ लड़कियां फिर कोई कमरे के पीछे चली जाएंगी मुझे आते हुए देखते हुए। हम जब बात करते हैं कि लड़के गंदे हैं, वो साड़ी उठाते हैं, पैसा नहीं दो तो फिर वो गाली गलौज करते हैं, ये करते वो करते, बट हम उसके पीछे का कभी रीज़न ढूंढने की कोशिश नहीं करते। हम कभी ये नहीं सोचते कि उसकी अदर साइड क्या है, क्योंकि उसकी भी तो अदर साइड है ना कुछ तो। ऐसे थोड़ी ना कोई उठ के आपको गाली देना शुरू करेगा, बिकॉज आपको फैमिली ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, आपको आपके भाई बहनों ने कभी आपके साथ अच्छे से बातचीत नहीं की, स्कूल में आपके साथ वायलेंस हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई, ये जो सब आपके दिमाग में चलता है ना, और उसी से आप बड़े होते हो, उसी से आप कम्युनिटी में इंटर करते हो, और फिर बाद में आपस वो सब जो लेबलिंग शुरू होता है सोसाइटी में, हिजड़ा है, गोड़ है, छक्का है, मामू है, सो ये हमें नहीं पता होता है कि मैं क्या हूँ, पर सोसाइटी को पता होता है कि मैं क्या हूँ। सो ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है कभी कभी ये भी निकल के बाहर आता है। बात यहीं तक सीमित नहीं है, ये जानना ज़रूरी भी है कि तकलीफें सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक भी हो सकती हैं। अगर हमारे पास फैमिली सपोर्ट होता था ना, मेन सबसे पहली बात, जब मैं घर से बाहर निकली, अगर मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया रहता था तो मेरे मन में कभी इजड़ा का बारे में कुछ पता ही नहीं रहता था, मैं भी एक ट्रांस वुमेन करके रह सकती थी। अगर पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं रहा ना मेरा वहाँ पर, इसलिए मुझे इजड़ों में आना पड़ा और इजड़ा करके मेरा नाम बन गया, लोग भी पब्लिक भी इजड़ा ही बोलते हैं। अगर मेरा फैमिली सपोर्ट पहले से रहा, अगर 10 साल मेरे माँ बाप मुझसे बात नहीं किए, अगर वो 10 साल मेरे माँ बाप मुझसे बात किए रहते तो आज मैं किसी कॉर्पोरेट लेवल में काम करती थी, मेरा एजुकेशन मेरा जो सपना है, मेरा गोल है, मेरे को PhD करना है, मैं हमेशा मेरे भले मैं मेरा एक मम्मी का एक सपना था मैं डॉक्टर बनूं, भले मैं डॉक्टर नहीं बन सकती बट मेरे PhD बनूंगी तो मेरे नाम के आगे एक डॉक्टर श्रेया रेड्डी तो रहेगा। आप एक हिजड़ा हो, आप एक ट्रांसजेंडर हो, उसके लिए आपको घर से बेदखल किया जाता है, आपको घर में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, आपके कमाई के पैसे चलते हैं बट आप घर में नहीं चलते हो, बिकॉज ऑफ आपकी बहन की शादी नहीं होगी, आपके भाई की शादी नहीं होगी, भले ही उस हिजड़े की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए वो चलेगा, बट उससे जो वो कमाता है सेक्स वर्क करके या भीख मांग के, वो पैसा घर में चलता है, उससे आप उसके वो पैसे से भाई की शादी हो सकती है, वो पैसे से बहन की शादी हो सकती है, बट वो उस फैमिली फंक्शन में अटेंड नहीं हो सकता, ना घर में दखल दे सकता है। मम्मी को मैं जब पहला दिन जब दिखाया कि ये मेरे को जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर लेके दिया है, तो फिर मैं खुश थी कि मम्मी मुझे एक्सेप्ट करेंगी और ये बात सुन के, बट उनका रिएक्शन बहुत डिफरेंट था और बहुत डिफ़िकल्ट था उनका, मेरे लिए लगता है कि उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा थी राइट पहले, और फिर मेरी माँ को भी शॉक लगा कि ये सब के बारे में उनको पता नहीं था। औरतों को किसी की तरफ अट्रैक्शन ही नहीं होना चाहिए, दे शुड बी एसेक्सुअल टिल दे गेट मैरिड, और मैं उनको एक बॉम्ब नहीं बल्कि दो दो बॉम्ब एक साथ पेश कर रही थी, बिसाइड्स द फैक्ट दैट आई एम डिप्रेस्ड, सो शी हैड क्वाइट अ बिट टू हैंडल ऑन अ प्लेट एंड शी टोल्ड मी दैट यू नीड टू गो टू अ काउंसिलर, क्योंकि आपको दोनों की तरफ आकर्षण है, शायद ये कोई फेज है एंड ये फेज है तो आके चला जाएगा। 2012 में मैंने अपने मम्मी डैडी को बताया, 2013 के लगभग आसपास उन्होंने पॉजिटिवली मुझसे बात करना शुरू किया था। याद रखिए कि उन्हें भी एक साल लगा था, और ये समय देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें अपने आप को समझने के लिए 4 साल लगे हैं तो उन्हें हमें समझने के लिए 1 साल देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मेरे मम्मी डैडी ने मुझे एक्सेप्ट किया और पॉजिटिवली इस विषय में मुझसे बात करना शुरू किया, तब मैं बाकियों को भी कम आउट करने के लिए बहुत स्ट्रांगली बात करने लगा। मैं जो डरता था किसी को बताते समय कि विल ही और शी एक्सेप्ट मी और नॉट, वो डर काफ़ी हद तक कम हो गया। परिवार हमारी ज़िंदगी की नींव है, हम सब परिवार के बिना अधूरे हैं। जब आप जानते हो कि आपका परिवार आपके साथ खड़ा है तो आपकी शक्ति दुगनी तिगनी हो जाती है, और आप किसी भी कठिनाई से जूझने के लिए अपने आप को और प्रबल पाते हो। माँ हर बच्चे को एक नए टाइप से एक्सेप्ट कर ही लेती है, और बहुत एक्सेप्ट किया है, बहुत साथ दिया है, 7 साल रही मैं सब बॉम्बे में, तो फिर उस टाइम उनका रिएक्शन डिफरेंट था, अजीब बिहेव करती थी, मतलब कि नहीं ये मत कर, नहीं काजल लगा के बाहर मत जा, लोग देखेंगे, लोग नोटिस करेंगे, मत कर, घर जो भी करना है घर पे कर, उनकी तरफ से कोई मनाई नहीं थी, मतलब मैं फीमेल क्लोथ भी कभी कभार पहनूँ बाई चांस, तो उनकी तरफ मनाई नहीं थी, बट वो थोड़ा गुस्सा होती थी, बट अभी मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट करती हैं, अच्छा लगता है। कुछ न्यूज़पेपर्स में कोई आर्टिकल आया, लाइक मिड डे में एक फ्रंट पेज आर्टिकल आ गया था हमारा साथी का, और उसके बाद मेरी मम्मी को उसके बिल्डिंग के दोस्तों ने फ़ोन करके बोला कि पता देखा हमने आदित्य का, पता था क्या आपको? तो मेरी माँ ने बोला हाँ मुझे पता था, कैसा लगा आर्टिकल? तो उसके बाद वो जो भी औरत फ़ोन कर रही थी वो भी सेम के उसने भी फ़ोन कुछ कुछ बात करके रख दिया। आपको झगड़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस एक बार आँख में आँख
डालकर आँख से आँख मिलाकर कहना होता है कि मैं ठीक हूँ, मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा जो है वो ठीक है। अगर आप ऐसा कहते हो, अगर आपके माता पिता ऐसा कहते हैं, तो फिर एक्सेप्टेंस की उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती। तो हमने देखा कि अंधकार तो है लेकिन आशा की किरणें भी हैं। समाज और परिवारों को पूरी तरह से LGBT समुदाय स्वीकार करने में मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। क्या पता एक ऐसा दिन आएगा जब हम सब बचपन में सिखाई हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे और कहेंगे जियो और जीने दो।